जैसे काम। लिए ये प्याज का उपयोग अच्छा, प्याज लिकोरिया का में प्याज का उपयोग कोई भी सफेद वाली प्याज रहे कि कौन सी प्याज हो? सफेद वाली में ज्यादा ठीक, हाँ, नहीं तो कोई प्याज कोई भी प्याज चलेगी। हाँ डेली नित्य प्रति ना, एक प्याज जो है हाँ आए हाँ तो उनके ये बीमारी जो है नहीं होती और एकदम ठीक होती चली जाएगी सिर्फ प्याज से ही। प्याज से खाली सुबह खाना है, किस समय खाना है, कैसे खाना है? भोजन के साथ, भोजन के साथ एक प्याज खाना, कच्चा प्याज खाना शुरू करें, अपने आप लिकोरिया की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। बहुत फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है ना। इससे और इसका रस वस नहीं पी सकते हैं? जूस वूस रस भी पी सकते हैं, जूस निकाल करके अगर खाली पेट इसका जूस 2 चम्मच पी लिया जाए रस भी तो और ज्यादा लाभकारी हो सकता है। ज्यादा लाभकारी, और ज्यादा लाभकारी, बहुत फायदेमंद। क्या जबरदस्त, देखिए और कितना सस्ता इलाज, इतना सस्ता। अरे टीबी के लिए, टीबी हाँ? के लिए जो है लहसुन है ना, हाँ लहसुन तो अब है। रुकिए, इसको जो है पहले और लिकोरिया में और कोई चीज लाभकारी हो सकती है बाबा जी? लिकोरिया में जो है और भी है, चावल का पानी, ये माड़ वगैरह, चावल का पानी वो तो चावल के पानी के साथ में जो है वो बटी जाती है। रज प्रवर्तनी, हाँ हाँ चक्र को जो, हाँ गायनिक साइकिल को मेंटेन करती है जो, ये जो अपामार्ग, अपामार्ग, हाँ अपामार्ग की पत्तियाँ, अपामार्ग की पत्तियाँ लेकर के, हाँ और उसमें जो है 2-2.5 आड़े काली मिर्च, काली मिर्च, हाँ डाल करके पीस कर, हाँ अपामार्ग कितनी पत्ती ले लिया जाए, लगभग एक मुट्ठी, 10 पत्ती, 10 पत्ती अपामार्ग और दो दो दाने तीन दाने जो है काली मिर्च, दो दाने से ज़्यादा, दो दाने ज़्यादा नहीं, नहीं तो क्या जलन होगी। और जो है छाछ के साथ, छाछ के साथ उपयोग करें, छाछ के शीतल साथ कर देगा, या तो पुराने चावल के माड़ के साथ, धोवन के साथ, या तो छाछ हो जाए या तो पुराने चावल का धोवन हो जाए, उसके साथ अगर उपयोग करें तो वो भी लिकोरिया को जड़ से ठीक कर दो देगा। 2 महीने ज्यादा, ज्यादा 2 महीने 2.5 महीने में पूरी तरीके से ठीक कर देगा। ठीक, क्या जादू है ये, का तो हम अपने घर में ही संतोष। और अगर मान लीजिए कि जो है हरा अपामार की पत्ती न मिले तो छाया में सुखा करके रख करके उसका ये पीस करके चूर्ण बना करके और छाछ में डाल करके उपयोग कर सकते हैं, उसकी जड़ का उपयोग कर सकते हैं। जड़ का ना, जड़ तो तमाम चीजों में काम करती है, अपामार के लिए 100 चीजों को ठीक कर देती है, धात वगैरह की तमाम संबंध पुंसकता के 5-5 में जड़ जो है वो बहुत। तो मतलब लिकोरिया में ये 2 इलाज बहुत सॉलिड है, एक तो प्याज का उपयोग और दूसरा ये अपामार काली मिर्च का उपयोग। जीवन भर खराबी नहीं पैदा होगी, जीवन भर एक बार ठीक होने के बाद दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आए ना। ये जादू देखिए क्या है, मतलब करोड़ों रुपए का साइंस एक वाक्य में निहित है, लेकिन हम भाग भाग के जीवन भर वही जहर खाते हैं। कितने कहा तो हम ठीक की जुना है, जो धात पड़त है, हाँ धात पड़त है सफेद, हाँ उससे जो ना रुकिए को दूसरा वीडियो बनाते हैं।